अगर आप इस स्कूटर को मार्केट में लेकर जाते हैं ना, तो दोस्तों सब लोग यही कहेंगे, भाई ये स्कूटर लिया तो कहाँ से लिया, कंपनी कौन सी है, कितने में मिला है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा स्कूटर जो कि काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, लुक भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इप्लोटो की। जी हाँ, प्योर ईवी का ये ऐसा स्कूटर है जिसका नाम है इप्लोटो, जिसका कलर भी शानदार है और साथ ही साथ में जो इसके अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं वे भी काफ़ी शानदार हैं, एक अच्छे प्राइस रेंज में आता है। तो ये हमारे पास कीज़ है, इस कीज़ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि इसके अदर जो मॉडल थे जैसे इप्लोटो 7G और एट्रांस न्यू वगैरह, तो सेम यहाँ पर भी ये फीचर्स इसमें मिल जाता है। की से ही आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, बीच वाले बटन को हल्का सा प्रेस करके रखना है। दोस्तों जैसे इसको प्रेस करेंगे साथ ही साथ में जो आपका स्कूटर है वो ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों सेंटर लॉकिंग सिस्टम जो है मिलने वाला है, एंटी थेफ्ट स्मार्ट लॉक जिसे हम कह सकते हैं। मड गार्ड जो है प्लास्टिक के मड गार्ड दिए गए हैं। जो रेड कलर है काफ़ी ग्लोसी कलर है और काफ़ी अच्छा लुक लगता है। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे होंगे काफ़ी शानदार लुक लग रहा है। ये जो सिल्वर क्रोम वाली पट्टी दी गई है ना साइडों में, ये तो दोस्तों चार चांद लगा रहा है स्कूटर में। तो दोस्तों बाय द वे स्कूटर का ओवरऑल लुक भी देख सकते हैं और ये जो टैचअप दिया हुआ है मड गार्ड पर, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुल मिला के डिज़ाइन में तो कोई कमी मुझे नहीं लग रही है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की, तो देख सकते हैं इसमें जो टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं और प्योर ईवी की जो प्योर का जो ब्रांडिंग है वो की ही है एलॉय व्हील के साथ में। 10 इंच के टायर इसमें मिल जाते हैं, C8 के टायर्स हैं। और दोस्तों अगले जो टायर्स हैं उनमें डिस्क ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो दे दिया गया है। ओवरऑल लुक देखें तो लुक काफ़ी अच्छा है। आगे की तरफ दोस्तों फ्रंट में आपको LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। जो LED लाइट हैं वो इंक्लूड करी गई हैं जो ब्लिंकर्स है ब्लिंकर्स के साथ में। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो प्लूटो लिखा गया है, प्लूटो आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी जो फिनिशिंग है वो लग रही है। स्कूटर साइड में देखने में भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है और पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक दो है दोस्तों ये दे रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों आप देखेंगे पीछे की तरफ जो टेल है, टेल में आपको LED के साथ में जो ब्लिंकर्स हैं वो दे दिए गए हैं इंडिकेटर्स। अगर बात कर लेते हैं सीट की, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है दोस्तों, काफ़ी मुलायम सीट है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, बहुत बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों। तो डिस्प्ले को यही है कि अपना जो है ऑन करना है, या तो चाबी से आप ऑन कर सकते हैं या फिर वो कीज़ दी गई है जिससे जैसे सेंटर लॉकिंग वाला सिस्टम है, उसको ऑन करेंगे तो ये कीज़ है हमने ऑन कर लिया है तो डिस्प्ले हमारे सामने देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और डिस्प्ले में भी दोस्तों आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ये हॉर्न दिए गए हैं साइड में, काफ़ी अच्छा जो है साउंड है हॉर्न का भी। बाकी डिस्प्ले में आप देखेंगे भी बैटरीज है, यहाँ पर ईवी की जो ब्रांडिंग दी गई है, गियर हैं और साथ ही साथ में जो दोस्तों पार्किंग वाला बटन है। पार्किंग वाले बटन को हल्का सा प्रेस करेंगे तो स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाता है रनिंग के लिए। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेज दी गई हैं, गियर्स दिए गए हैं इस पर। आप दोस्तों फर्स्ट पर अभी हमने क्या है इसको कर दिया है तो 22 की लगभग स्पीड हमें निकल कर के आई है। अब हम जो है सेकंड मोड को ऑन कर लेते हैं तो 29 की लगभग जो है स्पीड आ रही है। बात कर लेते हैं थर्ड मोड की, तो थर्ड मोड को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो जो स्पीड है कुल मिलाकर जो स्पीड है वो 38 की इसकी टॉप स्पीड आ रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की स्पीड रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्कूटर है इसमें मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि प्लूटो 7G था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो मिनिमम स्पीड रखी गई है। ब्रेक का साथ में दोस्तों ब्रेक का ऐसा सिस्टम है कि आप हल्का सा ब्रेक लगाएंगे तो जो स्कूटर है वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो आप देखेंगे साइड में जो ये बटन है दोस्तों, ये आपके लिए लाइट ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। दोस्तों यहां से आप अपने जो लाइट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो हम ऑन करके एक बार दिखा देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप देखेंगे जो हज़ार लैंप है वो ऑन हो जाते हैं, यानी कि दोनों जो टेल लैंप दिए गए हैं वो भी ऑन हो जाते हैं, साथ ही साथ में जो मेन लैंप है आपका जो कि LED लैंप है वो भी ऑन हो जाता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ब्रेकिंग लाइट ऑन होती हुई दिखाई दे जाती है। प्योर की जो सीट है, सीट पर भी प्योर की ब्रांडिंग की गई है। बैटरी आप देख सकते हैं इसमें सेल्स काफ़ी अच्छे विजिबल हैं और धूप में भी काफ़ी अच्छी विजिबल हो जाएगी ये डिस्प्ले।
दोस्तों अब कुछ देख सकते हैं इसका जो स्पेस है, तो आगे की तरफ कुछ इसमें स्पेस दिया गया है, देख लेते हैं किस तरीके का स्पेस है। मैं इसको पहले ऑन करूंगा और जहां पर लॉक लगाते हैं वहां पर भी क्रोम की फिनिश दी गई है, काफ़ी अच्छी है। पहले इसको लॉक कर अनलॉक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, आप दो जो विजिटिंग कार्ड हैं, दो इसमें जगह दी गई है, दो स्लॉट दिए गए हैं, उसमें विजिटिंग कार्ड जो है आप इसमें रख सकते हैं और एक दो डॉक्यूमेंट्स और भी कैरी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी लेफ्ट प्रोफाइल देखें तो लेफ्ट प्रोफाइल में लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाते हैं। लेडीज़ फुटरेस्ट जो है दोस्तों इसमें अलग ही मटेरियल दिया गया है, ये एल्युमिनियम मटेरियल मुझे लग रहा है दोस्तों। यूप्लोटो की ब्रांडिंग पीछे की तरफ जो है दी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो पीछे जो इसके ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं ये ड्रम ब्रेक है, अलॉय व्हील के व्हील के साथ में आता है। और दोस्तों पिछले टायर्स भी दोस्तों आगे की तरह ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और स्प्रिंग सस्पेंशन इसमें देखने के लिए आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो सस्पेंशन है वो आप देख सकते हैं, स्प्रिंग सस्पेंशन है। और ये जो कवरिंग की गई है काफी शानदार लुक इस स्कूटर को दे रही है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं काफी शानदार लुक जो है, प्रीमियम लुक जो है देखने में ये स्कूटर का लग रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, तो इसका बूट स्पेस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका जो सीट है सीट को अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों ये अनलॉक हो गया है और ये देखेंगे काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें लगा गया है, फाइबर की सीट है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो बैटरी है NMC बैटरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बैटरी है NMC बैटरी है, साथ ही साथ में MC भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि बैटरी जो है माइनस में ना जाए। तो इसमें हेलमेट नहीं रख पाएंगे, बाकी सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का जो इसमें बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं आगे के फुटरेस्ट की, तो काफ़ी अच्छे फुटरेस्ट मिल जाते हैं। आगे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप चार्जर जो है अपना प्लग इन कर सकते हैं और यहां से चार्ज आप कर सकते हैं। बैटरी को आप रिमूवेबल बैटरी है तो रिमूव करके भी अलग चार्ज कर सकते हैं, चार्जर आपको मिल जाता है। ये जो स्कूटर है दोस्तों ये भी जो है वाटरप्रूफ स्कूटर रहने वाला है, इसमें भी आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली है। जो बैटरी है दोस्तों ये NMC बैटरी है, जो इसकी सेल्स है 18,650 3C अल्ट्रा परफॉर्मेंस वाली बैटरीज है, मेटेलिक केस में आती है, 60 वोल्ट में आती है। और ये जो बैटरी है दोस्तों 1800 WH पोर्टेबल बैटरी है, तो काफ़ी अच्छी जो है बैटरी की परफॉर्मेंस रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कलर की, कि इसमें कलर ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें कलर ऑप्शन में 5 कलर जो है इसमें अवेलेबल हैं, एक तो रेड है, वाइट है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, कुल मिलाकर के इसमें 5 कलर आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये जो शोरूम है, शोरूम का एड्रेस भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और इनकी टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों ये जो टेल लैम्प है काफ़ी शानदार लग रहे हैं, मुझे तो स्कूटर का जो लुक है काफी शानदार लगा दोस्तों, काफी अच्छा जो लुक है रहने वाला है। बाकी दोस्त आपको इस स्कूटर का लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इस स्कूटर की क्या चीज़ आपको खास लगी है वो भी बताएं, और क्या चीज़ आपको पता नहीं चली है वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा है, फुटरेस्ट में आप जब इस पर बैठेंगे तो एक बैग आराम से कैरी कर सकते हैं और आगे हुक भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे हुक भी दिया गया है। मुझे इस स्कूटर में अगर थोड़ी सी कमी लगी तो ये लगी, एक तो चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, इसमें चार्जिंग जो पोर्ट है वो होना ही चाहिए था, बाकी हल्की सी स्पीड और हल्की सी बढ़ जाती तो काफ़ी अच्छा शानदार लगता। लेकिन दोस्तों यही है कि अगर 50 से ऊपर ये स्पीड दे देते तब ये समस्या सामने आ जाती है कि दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा है। बाकी इसके कीज़ की बात करूं, फीचर्स की बात करूं तो काफ़ी A1 है, और अभी तक जितने भी स्कूटर आ रहे हैं प्राइस है दोस्तों इसका 80,900, तो 80,900 जो प्राइस है उस हिसाब से स्कूटर की जो रेंज है, जो चीज़ें दी गई हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लुक है, प्रीमियम लुक है। कलर ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए कि 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, अभी जो हमारे सामने ये है ये रेड कलर में है और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर वारंटी की बात करूं तो इसमें वही है कि 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है, कंपनी को आप 3,000 और पे करेंगे तो 5 साल की वारंटी मिल जाती है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद।